और चलते चलते अभी हम जा रहे थे अटक किले की तरफ, तो रास्ते में मुझे नज़र आया एक ये अटक मकबरा के नाम से मशहूर है। आप देख सकते हैं ये पीछे मेरे इमारत आपको नज़र आ रही होगी, इसको अटक मकबरा कहते हैं। और इसके बारे में ये कहा जाता है कि ये किसी रकासा का मकबरा है। और कोई बहुत दो रवायात हैं जो मिलती हैं, एक तो ये कि कहते हैं कि यहाँ से कोई शाही काफिला गुजर रहा था और उस रकासा वो रकासा इस काफिले में साथ थी और उसका उस दौरान जो इंतकाल हो गया तो उस शाही काफिले ने उस रकासा को इधर दफना दिया, तो इसलिए इसको जो है अटक मकबरा कहा जाता है। और एक दूसरी रिवायत ये है कि इस इलाके के इस रकासा का इसी इलाके से ताल्लुक़ था और यहाँ के चौधरीयों ने इसको कत्ल करके इस जगह फेंक दिया था और शाही काफिला यहाँ से गुजर रहा था तो उन्होंने जो है उसको यहाँ दफना दिया था। तो ये रिवायत जो है यहाँ पाई जाती है कि ये काफिला ये मकबरा जो है किसी रकासा का है। और इस मकबरे के बिल्कुल पीछे कहूँगा, क्योंकि पता नहीं फ्रंट गेट ये है या फ्रंट गेट उधर था, तो उसके बिल्कुल साथ ही ये दो कब्रें वाकई हैं, बहुत पुरानी मौलिया दौर की कब्रें नज़र लग रही हैं। तो अब ये कब्रें शायद ये कब्र दो कब्रें किसकी ये नहीं पता, शायद इनमें से कोई एक कब्र उस रकासा की हो जिसकी बात हुई है तारीख में जिसके बारे में बताया गया है। और ये बिल्कुल जो है मकबरे के साथ ही वाकई है। और जनरली सड़क के बिल्कुल साथ ही मौजूद ये बहराम की बारादरी मौजूद है और इस बारादरी पे इस टाइम में मौजूद हूँ। और अभी जब मैं यहाँ पे आया हूँ तो मुझे यहाँ पता चला है, मैंने कुछ लोकल से बात की, मुझे इस बारे में बिल्कुल नहीं पता था, तो मुझे पता चला कि कुछ रवायात मिलती हैं जिसमें ये कहा जाता है कि मुग़ल बादशाह अकबर जो था उसका सिपा सालार था बहराम, उसने अकबर ने उसको जो है हुक्म दिया कि यहाँ बारादरी जो है तामीर कराई जाए, तो बहराम ने ये बारादरी तामीर कराई थी, इस वजह से इसको बहराम की बारादरी कहा जाता है। और एक रवायत ये भी है कि बादशाह अकबर की जो बेटी थी जहाँ आरा, उनके कहने पे ये बारादरी तामीर कराई गई थी। ये दो राय जो हैं पाई जाती हैं, तो अल्लाह जाने कौन सी बात सही है और कौन सी गलत है। तो ये सारी बारादरी है और ये मौलिया दौर का एक आला नमूना है, जो आपको पता ही है मौलिया दौर में जो उन्होंने इमारत तामीर कराई, जो मकबरे तामीर कराए और जो महलात तामीर कराए उन्होंने, वो आज भी आज दुनिया के अंदर बाकी हैं उनकी बाकियात। और ये सारी जो है बारादरी अभी खस्ता हाली का शिकार है, ले महकमा आसार कदीमा के अंडर में है, लेकिन इसके बावजूद जो है इसकी देखभाल जो है नहीं हुई है सही से। अगर इसको रेनोवेट किया जाए तो ये हमारा एसेट है, इसको हम संभाल के रख सकते हैं और अपनी आने वाली नस्लों को भी बता सकते हैं। अब मैं आपको साथ दिखाता हूँ, ये दो कमरे जो है वो बने हुए हैं, आप देख सकते हैं जालियों के अंदर, और ये सीढ़ियों से चढ़ने का जो है रास्ता दिया गया है दोनों तरफ से, और इसके साथ एक पूरा मैकेनिज्म बनाया गया पानी का कि पानी किस तरह से आता था। और इसके साथ ही जो है मैं आपको दिखाता चलूँ, इसके साथ ही जो है एक कुआं भी है और एक घड़ा भी खोदा गया है, जिसके लिए कहा जाता है कि इसको फांसी देने के तौर पे जो है इस्तेमाल किया जाता था। तो और इसके साथ अगर बात करें, वो अभी तो वहाँ पे वो जानवर घूम रहे हैं, लेकिन ये मेरे ख्याल से इसकी देखभाल होनी चाहिए थी,
तो ये है असल में वो सारी बारादरी, और आपको नज़र आ रही होगी उधर जो है वो एक जो है ना वो क्या कहते हैं गायें, वहाँ पे वो चारा चल रही है, और इस तरह का कुछ मंज़र है। ये जो है पुरानी इमारत बादशाहों के दौर की बनी हुई है, और अभी भी अपनी असली हालत के अंदर ये यहाँ पे मौजूद है। तो आप देख सकते हैं ये सारा जो है जीडी रोड के ऊपर ही ये वाक़ है ये जगह, और आप भी आके जो है यहाँ पे विज़िट कर सकते हैं। मेरी हालत तो बहुत ख़राब हो चुकी है क्योंकि गर्मी आज बहुत ज़्यादा थी। मैं ये सोच रहा था कि शायद बारिश वारिश हो जाएगी और शायद यहाँ बादल वादल होंगे तो कुछ बेहतर होगा। अब देखें मैं मुझे चुभ रहा है, इस टाइम सूरज ना जला रहा है मेरी स्किन को। तो मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो ये सीरीज़ आपको अटक की, जो हो सका जितना हो सका मैंने आपको दिखाया और एक्सप्लोर करने की कोशिश की। मैंने कोशिश ये की है, पिछले चंद हफ्तों से मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि मैं ऐसी जगह दिखाऊँ जो आम तौर पे लोग जहाँ पे नहीं जाते हैं या जिनका लोगों को नहीं पता है। तो इसलिए मैंने शहर पे ज़्यादा फोकस नहीं किया और सराउंडिंग एरियाज़ में मैं ज़्यादा गया और मैंने आपको वही दिखाया। तो मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये काविशें ज़रूर पसंद आ रही होंगी। अगर पसंद आ रही है तो चैनल को लाइक कर लें और इसको सब्सक्राइब भी वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे और मेरा भी हौसला इसी तरह बंधा रहे। तो मुझे अब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अगली वीडियो में फिर आपसे किसी और जगह मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।